गाइस यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लिखा है। आई थिंक सो टाइगर या लॉयन उधर रहते मे बी, इसलिए आई एम नॉट श्योर, बट इसलिए वहाँ पे विदाउट परमिशन एंट्री नहीं कर सकते। सो हे गाइस, केम छो मजा मा किंग हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बेबी। सो डूड, मैं आज आया हूँ बोरेवली नेशनल पार्क। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुनी है। अंदर कानेरी केव्स, फिर लायन पार्क जो भी है, एनिमल्स वगैरह भी है, फिर बोटिंग राइड्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मेरे पीछे यहाँ पे पेड़ पे वो देख सकते हो, वो लंगूर है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे जाने के लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। सो मैं अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बाय द वे, मैंने ये साइकिल ली है रेंट पे। सो ये साइकिल से अंदर जाने वाले हैं, बिकॉज कानेरी केव्स का जो डिस्टेंस है 7 to 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे साइकिल स्टैंड पे आए हैं। यहाँ से हम लोग ये पूरे साइकिल लगे हुए हैं, रेंट पे साइकिल मिलता है। जैसे साइकिल चाहिए नॉर्मल साइकिल है 50 रुपीज़, फिर गेयर वाली हर एक की अलग अलग प्राइजेस है। हमें इन्फॉर्मेशन देंगे उस संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में। सो ये सुनते हैं भाई क्या बोलते हैं। और फर्स्ट थिंग, आपको कनेरी विजिट करना है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पे देखने लायक वही पॉइंट है, और दोपहर को भी आता है तो थोड़ा सा हीट ज़्यादा रहेगा। तो शाम के टाइम पे भी आएंगे तो वो बेटर प्लस पॉइंट रहेगा पूरे पार्क में घूमने के लिए। एंड टाइगर सफारी, लायन सफारी भी है, 103 रुपये चार्जेस लेते हैं वो। उधर भी जाएंगे तो 2 टाइगर्स एंड 2 लायंस वैसे शो करेंगे वो बस से, तो उधर भी जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ चाहिए फन तो जंगल में थोड़ा सर्वाइव कर सकते हो वैसे। एंड बोटिंग का भी पॉइंट है तो बोटिंग भी जा सकते हो आप। बोटिंग के अलग अलग चार्जेस है, वो भी सीटर वाइज है करके, तो आप एक बार उधर ही जाके कंफर्म कर सकते हो। अच्छा, और यहाँ पे एंट्री फीस है, हर एक ईयर एंट्री फीस चेंज होती रहती है। अभी 77 रुपीज़ है पर पर्सन। एंड अंदर जो अलग अलग एडवेंचर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक की टिकट्स है, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं है, 100 के अंदर ही है। सो अंदर जाके देखते हैं। बाय द वे, मेरा फ्रेंड वहाँ पे खड़ा है, मैंने उसको आगे भेज दिया टिकट निकालने के लिए। मैं यहाँ पे हूँ, सो अंदर जाके देखते हैं, लेट्स गो। मैंने ना पहला ऐसा इंसान देखा है जो चश्मा पहन के झूला झूल रहा है। सो गाइस, अभी आए हम लोग बोटिंग एरिया में। एंड वो मेरे पीछे देख रहे हो बोटिंग एरिया। एंड यहाँ से जो नीचे का प्लेस है सच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड कूल है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नीचे जाने के लिए, वो तो भाग भी गया। तो चलते हैं एंड देखते हैं। दो से तीन टाइप के मगरमच्छ यहाँ पे होते हैं इस तालाब के अंदर। सो यहाँ पे स्ट्रिक्टली वार्न किया गया है कि पानी के अंदर ऐसे ही घूमने के लिए या उतर के नहीं जाने के लिए, बिकॉज डेंजरस है, जानलेवा है इसके लिए। तो अगर तुम लोग यहाँ पे आते हो तो इस पानी के अंदर जाने की ट्राई मत करना। गाइड, ये है कैट ओरिएंटेशन सेंटर। एंड इसके सामने ये टाइगर का स्टैचू लगा के रखा है। एक्चुअली टाइगर भी कैट की एक प्रजाति है जो बड़ी बिल्लियों के रूप में पाई जाती है। सो ये इसके लिए लगा है। एंड इसके अंदर हम लोग एंट्री करके देखते हैं, बिकॉज अंदर क्या है। एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता है, ये काफ़ी बड़ा दिखाया है लेकिन ये बहुत छोटा छोटा होता है, शायद आपको से दिखता भी नहीं है। बट इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ऐसा होता है, और यहाँ पर आई थिंक चींटियाँ खाना रखती हैं, और यहाँ पर चींटियों के अंडे होते हैं, इसलिए देखो कुछ अंडे जैसे शेप का है। और बाकी बहुत बड़ी दीवार होती है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक वो अपने रहने के लिए बना लेते हैं इंसेक्ट। और सिर्फ चींटियाँ ही नहीं, ये इंसेक्ट यहाँ पर रहते हैं। इसमें ये राजा लिखा है, कामगारवाड़ी। अब क्योंकि हमने मुंबई जैसे शहर में रहते तो हमको पता ही नहीं है चीज़ का। ये जो चींटियाँ होती है ना, ये चींटी को कैसे रहती है,
उसके अंदर के ये सारे पार्ट्स हैं जो यहाँ पे बनाए गए इंफॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं ऊपर जाके। पे जितने भी फोटोज लगे डूड, ये सारे जो कैट्स होते हैं ना, बिलियों के अलग अलग प्रजाति होती है, अलग अलग टाइप के, तो ये उनके पिक्चर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लिखा है, आई थिंक सो टाइगर या लॉयन उधर रहते मे बी, इसलिए आई एम नॉट श्योर, बट इसलिए वहाँ पे विदाउट परमिशन एंट्री नहीं कर सकते। ये देख सकते हो यहाँ से, ये तो चलते हैं आगे। ये बारहसिंघा एनिमल के बारे में आपने सुना होगा, सो ये लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिल रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे, इधर पर भी नो एंट्री का बोर्ड लगा है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे भी कोई जानवर रहता है, खतरनाक जानवर इसके लिए। सो चलते हैं आगे। सबसे बड़ी चीज ये, हाँ, कि यहाँ पर ना शाम को 6 बजे के बाद ना चीते निकलते हैं, इसलिए संभल के आना शाम को 5 बजे से पहले यहाँ से बाहर। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आने के बाद खुद का डिनर नहीं किसी और का डिनर बनना चाहते हो तो 6 बजे के बाद रुकना, वरना यहाँ से कल्टी। तो चलते हैं, अभी यहाँ पे रोड थोड़ा खाली मिला है तो हम लोग थोड़ा साइकिल स्पीड में भगा रहे हैं। आके एक चीज तो है डूड, कि पैसे हमारे भले ही गए लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है, मतलब बोलते ना फुल पैसा वसूल, तो वो वाला सीन है। बिकॉज ऑनेस्टली ये प्लेस ही बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, एंड यहाँ का जो रास्ता है इतना खूबसूरत, ये देख सकते हो। यहाँ पे ना साइकिल चलाने का बहुत मजा आ रहा है डूड, अगर तुम लोग यहाँ पे आते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 4-व्हीलर 2-व्हीलर वो तो हर एक जगह घूमते ही है, यहाँ पे बाईसाइकिल अगर घूमोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुम लोगों को। ऑनेस्टली अगर खुद का है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे रेंट पे भी मिल जाता है। मेरे पास ना वर्ड्स ही नहीं निकल रहे, मैं क्या बताऊँ, मैं खो गया हूँ इन चीज़ों के अंदर, ऐसा लग रहा है यहीं पर रह जाओ। हे डूड, बहुत ही लंबे मतलब 5 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम लोग एक प्लेस पे रुके हैं। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड कूल दिख रहा है डूड। बाय द वे तुम लोग ने सोचा रहेगा मैंने जैकेट क्यों निकाला है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी लग रहा है, एंड ये जैकेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसके लिए मैंने जैकेट निकाल दिया है, निकाला ने एक्चुअली जिप ओपन कर दिया ताकि थोड़ा हवा है। एंड यहाँ से जो व्यू है बहुत ही ऑसम एंड कूल है, यहाँ से मैक्सिमम 3 किलोमीटर्स का और है कावेरी क्या केव नाम में भूल जाता हूँ मैं। सो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं और मेरा फ्रेंड पीछे वहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहा है, देन इसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे। सो आगे तुम लोग को मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने कहा था ना यहाँ पे 6 बजे के बाद लेपर्ड यहाँ पे घूमते हैं, तो वही बोर्ड लगा हुआ है कि आफ्टर 6 PM यहाँ पे लेपर्ड घूमते हैं। सो 6 बजे के बाद इस एरिया में विजिट नहीं करने का
अगर लेपर्ड का डिनर नहीं बनना है तो। सो चलते अभी आगे, लेट्स गो। गाइस, सामने जो पहाड़ दिखाया मैंने, हमें उस पहाड़ पे जाना है एंड चढ़ाने में बहुत ही हालत ख़राब होती है। मेरे पीछे दो गर्ल्स मेरे से आगे निकली थी बट उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो लोग चल चढ़ के मर मर के किसी तरह ऊपर पहुँचे हैं बट यहाँ से अभी और आगे जाने का है। मेरी भी हालत ख़राब हो गई बिकॉज मैं रुक रुक के शूट कर रहा एंड फिर से चढ़ा रहा हूँ इसके चक्कर में, बट कोई नहीं, आगे चलते। सो गाइस, यहाँ से कान्हेरी केव्स, मराठी में कान्हेरी लेणी बोलते हैं।